हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर कि आप सब बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। एक तरह से ये जून वाले बच्चों के लिए वार्निंग भी है, और जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हैं और एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उनके लिए एक तरह का गाइडेंस भी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। बात ऐसी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ दे दिया, दोस्ती भी छोड़ दी, शादी में भी नहीं गए, रिश्तेदारी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की, बट फिर भी हम फेल हो गए। सर, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमने क्या गलत किया था? बच्चों, सीधी सी बात है, आपने पढ़ाई की थी, और कई लोग ऐसे होते, फिर वो कंपेयर भी करते, सर मेरा एक दोस्त था, उसने तो कुछ नहीं किया था, पढ़ाई अच्छी नहीं की, दोस्ती यारी की, गोवा घूमने गया था, बट स्टिल ही इज पास्ट। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि जो नियम है उसके हिसाब से जो मेहनत करते हैं वो कभी फेल नहीं होना चाहिए, और जो टाइम पास करते हैं उनको तो कभी पास होना भी नहीं चाहिए। बट स्टिल ऐसा होता है कि मेहनत करने वाला बच्चा फेल हो जाता है, और बहुत पढ़ने वाला बच्चा या और मस्ती करने वाला बच्चा पास होता है। वाई इट हैपन्स? तो इसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च किया, पिछले 4-5 दिन से बहुत रिसर्च कर रहा हूँ बच्चों में। अभी तो खैर रिसर्च चल रही है बच्चों, ऊपर वाली कृपा से। वो अभी तो CSSET वाला जो आया है कंसेप्ट, CSEET, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा अभी वो है, माथा पच्ची है। बट एनी वे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, मैंने पिछले 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है ना, मैं कई बार उससे उसके पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि पढ़ाई कैसे चल रही है। अरे सर, मैं पागल, आप पागल हो जाओगे, मेरी पढ़ाई इतनी चल रही है ना सर, मैं क्या बताऊँ आपको, बट सर मेरे को ना डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं फेल ना हो जाऊँ। तो बच्चों, ये मैं मुँह ऐसा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे ना कई बार बुरा लगता है कि आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ है मैं मुझे डर लग रहा है। तो मतलब बच्चों, आपकी जो पढ़ाई है ना, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट ही नहीं कर पा रही है, या फिर कॉन्फिडेंस जनरेट कर रही है आपकी पढ़ाई, बट उसके बाद ये आपके मन का जो डर है, ये जो स्टेटमेंट है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ना मैं ना फेल हो जाऊँ। बच्चों, दो चीज़ें देखिए यहाँ पे, और आप सबको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम बोलते हैं हम उस चीज़ को दिलो जान से आमंत्रित करते हैं अपनी तरफ। तो जब आप बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आपका फोकस कौन से वर्ड के ऊपर होता है? डर, कि मैं फेल हो जाऊंगा। सो डर और फेल, डर और फेल, डर और फेल, आपकी पूरी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी जो है वो डर और फेलियर, इन दोनों की तरफ जा रही है। और बच्चों, एक बहुत माना हुआ नियम ये कहता है कि जिस चीज़ पे आपकी एनर्जी जाती है, आपका दिमाग जो है इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिस चीज़ के ऊपर आपकी एनर्जी जाएगी उस चीज़ को आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपका माइंड क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सो द मोर यू से कि आई एम अफ्रेड ऑफ द फेलियर, आप देखना जो आपके रैंकर दोस्त भी हैं, जो कहीं 12th 12th में रैंकर होंगे, वो आगे जाके फेल हो जाते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो फाउंडेशन में दे स्कोर रैंक। बच्चों, आप भी देखना, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे होंगे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंपेयर करना, और आप भी आज तक यही गलती करते आ रहे थे कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। जो आपका फाउंडेशन में टॉपर स्टूडेंट होता था वो फाउंडेशन में रैंक लगाता था, लेकिन एग्जीक्यूटिव में जब आता था तो उसके ऊपर वो प्रेशर इतना होता था कि यार मैंने फाउंडेशन में तो रैंक लगा ली, मैं एग्जीक्यूटिव में लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं रैंक नहीं लगा पाऊंगा। तो रैंक तो छोड़ दीजिए, वो रैंक तो लगाता नहीं है, एंड ही अल्टीमेटली फ्लंक्स इन द एग्जाम। सो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है आप पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को भी सही खुराक दें। आपका जो माइंड है इट्स अ मैग्नेट, एंड आपके माइंड से वो एनर्जी निकले जो अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। सो आपको थोड़े से स्टेटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको बोलना है कि मैं मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊँगा, वहाँ पे आपको अपना स्टेटमेंट चेंज करके ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊँगा। आप जहाँ पे डर के कारण ये बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे, और आपको उसके बदले ये बोलना है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया कि मैं पढ़ाई करूँ। सो बच्चों, थोड़े बहुत, मैं बोल रहा हूँ थोड़े बहुत अपन अपने स्टेटमेंट्स में चेंज लेंगे लाएंगे ना, और बच्चों यहाँ से हम जो बोलेंगे, मुँह से हम जो बोलेंगे, हमारा जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस सबकॉन्शियस में मैं नहीं जाऊँगा, बट बच्चों प्लीज़ मैं आपसे एक छोटी, आप पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आप उस पढ़ाई के ऊपर रायता फैला देते हैं ये बोल के कि मुझे डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। और तो बच्चों, कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि अवॉइड कीजिए, स्टेटमेंट्स चेंज कीजिए। और जो बिंदास बच्चे होते हैं, जो कई बच्चे होते हैं जो आप देखते हैं आपके आवारा फ्रेंड्स, जो उनको पास होने की लायक ही नहीं, बट स्टिल दे पास, वाई डू दे पास?
बिकॉज वो हमेशा बोलते हैं छोड़ना हटाना यार, जो होगा देखेंगे यार, पढ़ाई पर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो बच्चों दे अट्रैक्ट पासिंग, वो उनका जो दिमाग है जो, चूंकि वो डरता नहीं है और बोलते हैं जो होगा तो होगा, देखेंगे पास होना तो हो जाएंगे, पास होना है तो हो जाएंगे, ये नहीं बोलते वो लोग क्योंकि उनको डर ही नहीं ना, पास नहीं हो, पास नहीं होना तो नहीं होंगे, वो सिर्फ यहाँ पे बोल के रोक देते पास होना है तो हो जाएंगे। तो उनका जो माइंड है पास हो जाएंगे, ये एनर्जी उनका क्रिएट करता है उनका माइंड। और बच्चों हमेशा याद रखना, आप जो बोलते हैं आप उसको जितने ट्रस्ट के साथ बोलते हैं, जितनी खुशी के साथ बोलते हैं, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। मतलब आपके वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी तो छोड़ दीजिए, आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की क्षमता। सो बच्चों प्लीज़ एफर्ट अच्छे ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट शब्द भी अच्छे निकालिए अपने मुंह से बच्चों, क्योंकि जो आप शब्द निकालेंगे उसी की तरफ आपका माइंड, उसकी एनर्जी डायरेक्ट होगी बच्चों। तो प्लीज़ अच्छा पढ़ना ज़रूरी है बट अच्छा कहना भी ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, भगवान को थैंकफुल रहना ज़रूरी है, अपने माता पिता को थैंकफुल रहना ज़रूरी है बच्चों, एंड बिलीव मी यू विल गेट अ रिजल्ट। तो जो लोग सी एस भी कर लेते हैं कई लोग, बट दे आर नॉट एबल टू गेट गुड पैकेजेस, वाई यार सी एस करके मेरे को पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। आपका जो माइंड है वो अट्रैक्ट क्या कर रहा है, पैकेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो बच्चों ट्रस्ट करिए, अच्छे स्टेटमेंट्स बोलिए, एंड डेफिनेटली यू सी कि आपकी लाइफ चेंज होगी बच्चों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये चीज़ आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप गूगल पे मानते हैं गूगल पे वेरीफाई कर लीजिए, और आप ही अपने मम्मी पापा से पूछिए कि दुष्यंत सर ने गलत बोला है क्या बच्चों। एंड प्लीज़ इन नियमों का पालन कीजिए बच्चों, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिला इन नियमों से, प्लीज़ आप भी वो नियम फॉलो कीजिए एंड देन स्टार्ट गेनिंग बच्चों। बच्चों भगवान तो अपने को देने के लिए बैठे हैं बट अपनी गलती क्या मानते ही नहीं अपन, अपन ने डर के कारण अपने अरमानों को अभी कत्ल कर दिया है। आप में से कई बच्चे जो बहुत एम्बिशियस है, मुझे यूट्यूब पे मैसेज भेजते हैं, सर आई वांट टू बाय दिस कार, आई विल बी हैविंग दिस, आई विल बी गिफ्टिंग दिस टू माय पेरेंट्स, आई फील रियली ग्रेट। मैं उसके नीचे रिप्लाई भी करता हूँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, भगवान आपको भला करे। और बच्चों प्लीज़ अगेन मैं आप सबको ये पॉजिटिविटी अपने साइड से दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस बच्चों, प्लीज़ टेक दिस पॉजिटिविटी फ्रॉम माई साइड। आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ बच्चों, और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना हम एक अच्छी सृष्टि की परिकल्पना कल्पना करें, बहुत अच्छी दुनिया बनाए बच्चों, और डेफिनेटली हर एक प्रोफेशन ग्रो करे, बट लीड सी एस को लेना है बच्चों। थैंक यू सो मच, यहाँ पर मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बच्चों।